हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारे बच्चे अच्छे होंगे, बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए लगातार अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। जिनका एडमिशन हो चुका है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है उनका हो जाएगा। हम तैयार बैठे हैं, बोर्ड लाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात करूंगा यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की। अगर अपन देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की तरफ से ऑलमोस्ट एडमिशन कंफर्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, तो क्या सारा प्रोसेस है एडमिशन का, आखिरकार कब एडमिशन वहां पे स्पोर्ट राउंड कंडक्ट हो रहा है, क्या सारा सीन है। तो जो भी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उनका जो गूगल फॉर्म फिल किया था या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में ऑलरेडी अप्लाई किया था, अपनी ईमेल के अंदर स्पैम जो बॉक्स है उसको लगातार चेक करते रहो। हालांकि कल मेरे को जो है एक बच्चे का अपडेट आता है कि भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की जो गूगल मीट पे जो एडमिशन होने वाले हैं वो कैसे एडमिशन होंगे। हालांकि ये इस यूनिवर्सिटी का ही नहीं है, बहुत सारी कॉलेजेज है जो बच्चों को एडमिशन ओपन करती है ऑनलाइन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब भी पीजी यूजी के बच्चे हैं आपको जो है जस्ट लाइक लिंक भेजा जाता है गूगल मीट पे आपको ईमेल के ऊपर कि ये जो गूगल मीट या फिर जूम का जो है यहाँ पे जो आपकी ऑनलाइन कंडक्टेंसी है आपको ये बताया जाता है कि इतनी सारी सीटें अवेलेबल है। फिर जो है आपको गूगल मीट के अंदर आपको जो भी लाइव उनकी मीटिंग होती है वो अटेंड करनी होती है। लाइव मीटिंग अटेंड करते टाइम जो आपको जो गूगल मीट या फिर जूम का जो इनबॉक्स होता है वहां पर आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना होता है। जो भी स्टूडेंट गूगल फॉर्म को फिल करते हैं दान में जो टीम है उनकी कॉलेज के एडमिशन डिपार्टमेंट है वो आपके जो मार्क्स है वो एनालिसिस करती है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर आपके ईमेल बॉक्स के अंदर आपको जो अलॉटमेंट दिया जाता है कि आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, आपको जो अपनी जो है फीस है ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मोड है उसके अंदर आपको भरनी है, राइट। तो यार ये सारा प्रोसेस होता है, इसको डायरेक्टली स्पॉट एडमिशन या फिर ओपन काउंसलिंग एडमिशन भी बोला जाता है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में अप्लाई कर रखा है अपनी ईमेल को जो है जरूर से चेकआउट करें, अपनी ईमेल को जो लगातार चेक करते रहे कि आपको किसी यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट तो नहीं आया। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी आपको लगातार ईमेल डाल रहे होंगे कि हमारे एडमिशन क्लोजिंग पे यू आर सिलेक्टेड, आप यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं। बिकॉज सीयूईटी के अंदर जो है प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की अगर मैं बात करें तो वहां पर भी अभी एडमिशन ओपन है। बहुत सारे बच्चों को ईमेल आ रहे हैं लगातार कि आपकी जो गूगल मीट पे लाइव मीटिंग है उसके बाद गूगल मीट मीटिंग के अंदर आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। आपके मार्क्स के बेसिस पे जो आपको एक सीट प्रोवाइड किया जाता है, आपको अलॉटमेंट दिया जाता है इन द कॉलेजेस, स्पेशली यह सारा प्रोग्राम चल रहा है। तो जो भी बच्चे हैं उनको मैं ही बोलना चाहूंगा कि आप जो है अपनी उसको चेक करते रहो, गूगल जस्ट लाइक मैसेजेस एंड आपका ईमेल फॉर्मेट के अंदर आता है। इसके साथ ही सीयूईटी यूजी एडमिशन एंड पीजी एडमिशन रिलेटेड दो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी हम आपको अपडेट डालते रहते हैं लगातार। एक मैंने नया चैनल शुरू किया उसको भी जरूर से सब्सक्राइब करना, 100 सब्सक्राइबर करना मैंडेटरी है यार, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके साथ ही हमारी पेड काउंसलिंग भी चलती है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो रिगार्डिंग द सीयूईटी एडमिशन 2022। आप लोगों की और भी कोई क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज है जहाँ पे पेड सीटें अवेलेबल होती है, सेल्फ फाइनेंस सीटें होती है, उनकी फीस थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, लेकिन हाँ आपको मार्क्स के अंदर रिलैक्सेशन हो जाता है, काफी कम मार्क्स के अंदर एडमिशन मिल जाता है। स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड अदर बहुत सारे ब्रांचेस जो है कॉलेजों के अंदर कुछ सेल्फ पेड सीटें होती है जहाँ पे जो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना होता है। जैसे अगर कॉलेज की फीस 75,000 है तो आपको सेल्फ फाइनेंस में 1,75,000 या फिर 1,00,000 या फिर जस्ट लाइक उसके अंदर कुछ थोड़ा सा फीस के अंदर डिफरेंस होता है, लेकिन ना आपको एडमिशन मिल जाता है। तो आप लोग वो से कॉलेजों को भी कंसिडर कर सकते हो। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जिनके काफ़ी लो मार्क्स आ रहे हैं अभी तक और अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं देन वो जो हमारी पेड काउंसलिंग में इनरोल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया जिसके अंदर आपको जो है काफी अच्छे कॉलेजों के अंदर जो है सीट अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़ते रहिए, अपने ईमेल बॉक्स लगातार यार 15-20 दिनों की मेहनत है, इन थोड़े दिनों में थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो 4 साल एक अच्छे कॉलेज के अंदर गुजार लोगे, राइट। तो इन सब बातों का ध्यान रखो बच्चों, ठीक है, थैंक यू।